आलिया भट्ट इन दिनों अपना प्रेगनेंसी फेस एंजॉय कर रही हैं। जब से वो लंदन से लौटी हैं, एक भी बार स्पॉट नहीं हुई हैं। वो अपने घर पर ही हैं और आराम कर रही हैं। अगर बात करें रणबीर कपूर की, तो रणबीर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा की प्रमोशंस में बिजी है। हाल ही में मीडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणबीर से सवाल किया कि क्या वो मीडिया को बेबी कपूर की तस्वीरें खींचने देंगे या वो भी वरुष्का की तरह नो पिक्चर प्लीज पॉलिसी जारी करेंगे। क्या कहा इस पर रणबीर ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या जन्म के बाद रणबीर आलिया फैंस को दिखाएंगे बेबी कपूर का मुखड़ा या फिर बेबी कपूर को रखा जाएगा कैमरा की निगाहों से दूर? क्या विराट, अनुष्का, शिल्पा राज और सैफ करीना की तरह रणबीर आलिया भी अपने बच्चे के लिए बनाएंगे नो पिक्चर प्लीज पॉलिसी? ये सवाल इन दिनों हर कोई पूछ रहा है। जब से आलिया और रणबीर ने अपने फर्स्ट बेबी के आने की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है, कपूर और भट्ट फैमिली के अलावा रालिया फैंस भी बेहद एक्साइटेड है। जहां फैंस ये जानना चाहते हैं कि कब आलिया और रणबीर का बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा, तो वहीं फैंस इस बात को लेकर भी चिंता जता रहे हैं कि कहीं जन्म के बाद बेबी कपूर का चेहरा देखने के लिए उन्हें लंबा इंतजार न करना पड़े। अब ये तो सब जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ज्यादा पसंद करते हैं, साथ ही वो अपने नन्हे बच्चों को लाइमलाइट से भी दूर रखना चाहते हैं। विराट, अनुष्का ने तो बेटी के जन्म के बाद की तस्वीरें ना खींचने का अपील मीडिया से किया था। यहाँ तक कि आज तक उन्होंने वमिका का चेहरा नहीं दिखाया है। ऐसा ही कुछ सैफ करीना ने बेटे जय और शिल्पा राज ने बेटी समीक्षा के जन्म के बाद किया था। अब फैंस को चिंता है कि कहीं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी अपने बेबी के लिए नो पिक्चर प्लीज पॉलिसी जारी ना कर दे, कहीं वो अपने बेबी के दीदार से फैंस को वंचित ना कर दे। तो अब रणबीर ने दे दिया है फैंस को इस सवाल का जवाब। दरअसल हाल ही में शमशेरा फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणबीर से मीडिया ने पूछा था कि क्या वो अपने बच्चे की तस्वीरें पपराजी को क्लिक करने देंगे। तो इस सवाल के जवाब में होने वाले पापा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं अभी तक इस मुकाम तक नहीं पहुंचा हूं। हम बहुत एक्साइटेड है, हम सही फैसला लेंगे। मीडिया पर पर्सनल लाइफ की कुछ डिमांड होती है, लेकिन मुझे नहीं पता। वहीं ऐसे में खबरें ये भी आ रही है कि आलिया ट्विंस को जन्म देने वाली है। इन खबरों को हवा रणबीर कपूर के एक बयान ने ही दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणबीर कपूर से इस बारे में पूछा गया कि रणबीर ने यहाँ भी गोलमोल जवाब ही दिया। रणबीर बोले कि कोई विवाद ना पैदा करे, उन्होंने मुझे तीन बातें बताने के लिए कहा, दो सच और एक झूठ। अब मैं ये नहीं बता सकता कि सच क्या है और झूठ क्या। बता दे कि बीते दिनों रणबीर कपूर से एक इंटरव्यू के दौरान दो सच और एक झूठ बताने के लिए कहा गया था, जिसके जवाब में रणबीर ने कहा था, मेरे जुड़वा बच्चे हैं, मैं एक बहुत बड़ी पौराणिक फिल्म का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, मैं काम से एक लंबा ब्रेक ले रहा हूँ। रणबीर के इस जवाब से फैंस ने अंदाजा लगाया कि रणबीर और आलिया जुड़वा बच्चों को वेलकम करेंगे। हालांकि रणबीर ने अभी तक फैंस के किसी भी सवाल का साफ साफ जवाब नहीं दिया है। बता दें कि रणबीर और आलिया ने इसी साल 14 अप्रैल को शादी की थी। तो वहीं जून के आखिरी हफ्ते में आलिया ने एक पोस्ट शेयर करके अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।